नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज तारीख है 2 मई, सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं आरा के सदर अस्पताल, जहां पर उन्हें अस्पताल के भीतर जाने से रोक दिया गया है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, तस्वीरें देखिए। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो आप देख रहे होंगे, कुछ दिन से वो लगातार सक्रिय हैं। जब से ये कोरोना की दूसरी लहर आई है वो लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें आर्थिक मदद कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, रेमडेसिविर दवाई जो कि अभी काफ़ी ज़रूरी है वो तक उपलब्ध करा के दे रहे हैं। और जब वो अस्पतालों के भीतर जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, तो क्या डर हो रहा है किसी तरीके का? लेकिन प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि वहाँ पर धारा 144 लगा दिया गया है। सदर अस्पताल आरा की ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। सुबह सवेरे पप्पू यादव आरा के सदर अस्पताल पहुँच गए निरीक्षण करने के लिए, जहाँ पर उन्हें अस्पताल के भीतर जाने से रोक दिया गया है। क्या कुछ बातें हो रही हैं, जरा सुनिए। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे आप सभी लोग प्लीज बाहर चलिए। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आप सभी से अनुरोध है। देखिए, ये अस्पताल परिसर है, कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इसी को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सिर्फ मरीज और उनके परिजनों को ही अलाउ किया गया है। वहाँ बताएंगे ना, सदर अस्पताल पूरे बिहार के हर अस्पताल हम जा रहे हैं। इधर आ जाने लीजिए, कल हम मुजफ्फरपुर में थे, परसों कल हम गया में थे, लगातार 17 दिनों से हर अस्पतालों में हम हैं, हर जगह जाएंगे। पहली बार ये मैंने ऐसा देखा कि इस तरह का कोई 144 और कहीं कुछ लगा हुआ है। तो ये तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत। अभी हम जस्ट आएंगे और हम उस चीज को बात करेंगे। अब चिंता मत करिए, गेट पे रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया? हाँ, आपको सदर अस्पताल के गेट पे रोक दिया गया भैया? रोक नहीं दिया गया है, इनका अपना कोई ड्यूटी है और इनकी अपनी जिम्मेदारी है। अब गलती को ढकने के लिए और सारे जो पाप है, कुकर्म है सरकार की, जो हम सब दोस्त पदाधिकारी को नहीं जापने दीजिए, जो सिस्टम है आपको इसको समझना पड़ेगा। इस पहली कंट्री है कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद ऑक्सीजन नहीं है, बाहर में दे दिए, एक सुई नहीं है, विटामिन सी नहीं है, डेक्सो जीवन दक्षम डेक्सोना नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, वेंटिलेटर नहीं है, बिचौलिया ने सब कुछ को आउट ऑफ मार्केट कर दिया। एक रेमडेसिविर दवाई जो है वो 40,000-70,000 में मिलता है, कंप्लीट रूप से उसके पास कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। 30 सालों में हम एक अस्पताल आरा का नहीं बना सके। यहाँ के मंत्री और सांसद आए थे तो जो पॉजिटिव था उनको भी बुला लिया गया, उनकी भी चिट्ठी निकाल रही ली गई कि पॉजिटिव हो या कोई हो उनको भी बुला लो। तो आप एक दिन आए और कोरम पूर्ति करके क्या गए? वो आपकी ये क्या अथी है क्या? ये हीरो का एक्टर्स है और आप क्या ब्यूटी क्वीन में भी मिस ब्यूटी में आए हुए थे क्या? हैं, जो हालात हैं बिहार के उसमें आरा भी सदर अस्पताल है ना, और कोविड पेशेंट को आप डॉक्टर्स दीजिएगा ना कुछ दीजिएगा तो क्या हो? ठीक है, आप निरीक्षण कर लीजिए, हम आते हैं। ठीक ठीक, हमने दिया नमस्ते, गवर्नमेंट ने नहीं दी, हमने दिया, मैं अपने अकाउंट से। और इस बार भी फर्स्ट डे जिस दिन ये आया उसी दिन हम PMCS में से हम शुरू किए, PMCS, NMCS, IGMS, फिर ऑक्सीजन गैस वाले के यहाँ बैठना, फिर वहाँ से बिचौलिया को रोकना। कहीं भी गवर्नमेंट को कॉपरेट की, हर चीज़ों को कॉपरेट की। हम लोगों को अभी एक चीज़ समझनी होगी कि जिस स्पीड से संक्रमण बढ़ रहा है उसमें भैया मेरे पहले तो आप इसको समझिए कि यह संक्रमण बहुत जरूरी, यह संक्रमण कोरोना से कोई मौत नहीं है, ये मौत सिस्टम के कारण, व्यवस्था के कारण, दवाई नहीं रहने के कारण, डॉक्टर रहने नहीं रहने के कारण, अभी जिस स्पीड से बढ़ कोई स्पीड नहीं है, अभी जिस स्पीड से संक्रमण बढ़ रहा है हमें थोड़ा थोड़ा सा एहतियात करना है। आपको एहतियात बरतेंगे तभी हम। आप एक बार बताइए, एक पेशेंट के साथ 5 आदमी हर अस्पताल में? नहीं, आप देखिए, हमने वार्ड में एक आदमी लिमिट किया गया है। मेरी बात सुनिए ना, परिजनों को इसीलिए एक पे लिमिट, मेरी बात सुनिए, बाकी लोगों को आपके करने से नहीं होगा। NMCH में जाइए,
पीएमसीएच में जाइए, पांच आदमी एक एक पेशेंट के साथ है, एक एक पेशेंट के साथ। और जब वो निकलता है, अब हमने इसको लाइव किया था जी 18 भी था, क्या कहते हैं बीटा को, वहाँ सत सत आदमी एक ही पेशेंट के साथ नीचे में ऊपर में सोया हुआ था। जब वहाँ से वो सब्जी मार्केट जाएगा तो कोरोना लेके जाएगा, वहाँ से वो गांव जाएगा तो कोरोना लेके जाएगा। यही बात मैं कह रहा हूँ, इसीलिए जितने लोग देखिए जितने लोग इसीलिए परिजन मैं और स्वास्थ्य कर्मी या फिर बाकी लोग जिनकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, अगर वो लोग इस परिसर में आएंगे तो अपने साथ कोरोना लेके जाएंगे और 100 लोगों को करेंगे। अच्छा, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, आप मेरा लोग मेरा यहाँ मेरा कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, सब अपना ड्यूटी कर रहे हैं। और अगर इनमें से इनके अलावा और भी कोई व्यक्ति जिसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है अगर आएगा, मेरी बात थोड़ा सा आएगा तो वो संक्रमण लेके जाएगा और 10 लोगों को करेगा। आप फिर वो जिम्मेदारी वाली बात है कि हम लोगों को थोड़ा सा मैंने उठाया है, इसलिए हमको संक्रमण होगा कि नहीं होगा या तय नहीं करें तय, हमको अपने लाइफ के जीने के बारे में हमको पता है कि मुझको कैसे जीना है और किसने नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को और हमें अभी हमें याद रखना होगा। नहीं नहीं, अगर हम लोग एहतियात नहीं बरतेंगे, ये एहतियात 13 महीने में गवर्नमेंट को करना चाहिए, वैक्सीन देना चाहिए जो आउट ऑफ मार्केट है। ये एहतियात आज जैक्सोना नहीं है, विटामिन सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी जीवन रक्षक दवाई हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जो मतलब था, मैंने दुनिया को इतनी लाशें भेजी जाती है बिहार में, ये भी मैंने दिखा दिया है और ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, इन दिनों लगातार आप देख भी रहे होंगे पप्पू यादव तमाम बिहार के जो कई ज़िले हैं, चाहे वो SKMCH हो या फिर गया का अस्पताल हो, सदर अस्पताल हो, उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं। ANMCH में भी वो कल गए थे, जहां पर उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि कोरोना जैसे महामारी के दौर में सरकारी अस्पतालों में इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है। पटना के भी PMCH, NMCH, IGIMS और तमाम निजी अस्पतालों में वो घूम रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौर में। तो क्या ऐसे में ही पप्पू यादव को रोक दिया गया है? पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे इस वीडियो में आपने सुना है, कैसे उन्हें रोक दिया गया है। बहरहाल आप लाइवस्ट्रीम से बन रहे हैं, देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या पप्पू यादव और अस्पतालों का दौरा करेंगे। फिलहाल तो उन्हें आरा के सदर अस्पताल के गेट पर ही रोक दिया गया है। मजिस्ट्रेट के साथ थोड़ी सी बहस भी हुई है जहाँ पर तैनात थे, आपने इस वीडियो में देखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।